इसमत चुगताई की कहानी है चिड़ी की दुखी। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिल वालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करती थीं। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें, ऐसा कि कोई एक बार जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर कि शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था कि बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उन्हें गढ़ा है। कमसिनी ही से उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ गया। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्त बेवक्त दिल हार चुकी थीं। जिस महफिल में चले जाते, दिलवालियां टूटे दिलों के ढेर लगा देती। शौहर अपनी बीवियां समेत चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की माएं फौरन उनकी बहनों और मां पर वारी सदके होने लगती। कॉलेज में ही थे कि शादी के पैगाम झड़ने लगे। नौकरी रखते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगीं। एक से एक तीखी सलोनी हसीना मैं गाड़ियों दहेज के उन्हें जीतने पर तुल गई। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊंक जाती है, चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। और यही हाल बेचारे हाय का भी हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, और कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती और फिर सब जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ, वो थे भी तो हुकुम का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा थी तो कोई नहला या दहला। वैसे दिल वालियां तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थीं। जानती थीं कि वो उनकी पहुंच के बाहर हैं, मगर दिल से मजबूर थीं। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिया भिगोने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और बेचारी आलिमा निरी पान की दुखी थी। फर्क इतना था कि उनके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वह जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। हाय को बदसूरत इंसान से चिढ़ थी। खास तौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नजदीक न था। वो कहते कि अगर औरत हसीन नहीं है तो है ही क्यों। इसलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते। जी भर के काली, ऊपर से सीख सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो, साक्षात माशूक की कमर थी। लोग उनके वालिदैन पर तरस खाया करते कि न जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहां अच्छी भली हसीन दहेज वालियां उठाए नहीं उठती, ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सीख सलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आधमकती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है कि एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़े की तरह उल जुलूल फुदका करती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंक धमक कर सीढ़ी पर आ बैठते। अरे अब्दुल हई साहब, इतनी जल्दी थक गए, वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपकाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर के काम का कोई छोकरा हो। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुल थुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा, अब आप जाएं। अरे फिर? जी फिर। अरे छोड़िए, कहकर आलिमा टाल गई। नहीं नहीं, तकल्लुफ ना कीजिए, कहिए ना। हई बोले, बेचारी दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे अगर आप थुलथुल हो गए। आलिमा बदसूरत ही नहीं, नीरस किस्म की भी थी, मजाक करना जानती नहीं थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई, न जाने अपने आप को क्या समझती है, कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपकाई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुखी कहते हैं, तो वह गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी। कहने लगी कि चलो जिंदगी में एक बात तो अकल की कही।
दिलवालियां हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बात सोचकर सुनकर कांप जाती। अरे तुम्हारे सीने में दिल नहीं, जूते का तल्ला है, वो जलकर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकड़ नहीं छुपते, आलिमा फलसफा झाड़ती। अरे क्या इरादा है, उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी क्यों नहीं, आलिमा कहती। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिले तो फिर शानदार इश्क किया जाए। हाय के बारे में क्या ख्याल है? अरे मैंने कहा कोई भला आदमी मिल जाए। तो हाय भले आदमी नहीं है? तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उन्हें तो आदमी कहना दगाबाजी है। मतलब? अब्दुल हई आदमी नहीं, माशूक हैं। भाई मुझसे तो माशूक झेले नहीं जाएंगे, मैं कहाँ उनके नखरे उठाती फिरूंगी। तो तुम क्या समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसकी गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ कि आईने आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? और आईना कहता है कि अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खुद मजाक उड़ाती है। एक नुस्खा था अचूक, हजार बार आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा कामयाब हुए थे, और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़मबाजी की जरूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदि नहीं होती, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया। 16 बरस के थे वो, भी इतनी ही होंगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनांचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वह 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क में इन्हें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल जाएं और सामने वाला चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते विजय हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2-4 चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेट कर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से कोई इजहार इश्क करे तो कैसे करे? बदसूरत लोग अपने इर्द गिर्द चट्टाने खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था, और किसे नहीं आता। मगर आलिमा की तो वो कहावत थी कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। राह बनाने के लिए कोई ना कोई खिड़की चाहिए थी। खड़ंजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम न बन सकी जो आलिमा की इस किलेबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी भैंसों के सिवा कुछ हाथ ना आया। सोचा बाहरी सौंदर्य के जिक्र से कतराकर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी, भूत प्रेत में तो उन्हें दिलचस्पी थी नहीं। वैसे बहुत ज्यादा बाशऊर और सुशील भी ना थी, बहुत मगरूर, बेकार की बहस करने वाली। आवाज मीठी थी मगर बातें वही कड़वी कसैली। हई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कहकहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर 100 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परी रहम फरमा, वल्लाह अम्मी। लड़की जाती हरकतें करती तो अम्मी की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फूली ना समाती। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती, उसके वो चाव चोचले करती कि तौबा। फिर जब भाई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी एकाएक रफू चक्कर हो जाता, बहनें भी रुखाई बरतने लगती। सच है कि वही सुहागन जिसे पिया चाहे।
एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटे की नाक रखने को कह देती कि ए भाई, उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद झट से उस लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाती और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। अय हाय, जरा सीधे मुंह बेटे ने बात क्या कर ली, पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को, मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ती। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा, यूं मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं, जो अल्लाह ना करे उनके बाबा ने कबूल कर लिया तो क्या हुआ? मुझे ऐसी बातें जरा भी नहीं भाती अब्दुल, उनके बाबा वैसे ही खर दिमाग हैं, तो क्या हम उनकी साहिबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। हट दीवाने, वो तो सर आंखों पर उठाएंगे पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। ये मजाक कुछ इतना बढ़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो तो पड़ेगी ही, मगर तौबा कीजिए जनाब, आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहां जलेबियों के थाल पर से सारी उम्र मक्खियां उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत नहीं है। मुझ जैसी बदसूरत औरत को भी यह सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा छबीला दूल्हा मुझसे तो हजम ना होगा। अंगूर खट्टे वाली बात है, ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो क्या बात है, दिलवालियां खिलस गईं। ना भाई, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हे का, मुझे कोई किराए पर थोड़े ही चलाना है। हई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले, बहुत सूर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपनी थीसिस पर लगी हुई थी, बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ गया था, फिजा कुंद थी। हई ने बौखलाकर दो तीन हाथ और मारे। एक हसीना पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, हाँ दूल्हे को इम्पोर्ट किया जा सकता है। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी, आय हाय, उन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगोजे मंगवा लिए जाएं, अल्लाह कितना फायदा रहेगा, कौम का भी फायदा और मुल्क भी सुरखुरू। दिलवालियां लड़ पड़ी, अंगूर खट्टे हैं ना इसलिए थू थू, जो मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही, अब्दुल हई खां का वजूद कौम और मुल्क के लिए फख्र की बात नहीं, वैसे औरत जात के लिए वो जहरीला बल हैं, वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे, बूढ़े खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे, न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनी की बीवियां भगाएंगे और न जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हई ने जब ये सुना तो खूब हंसे, दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह से आशिक हैं, इसलिए मुझे बदनाम कर रही हैं कि बाकी सभी लड़कियां खौफजदा हो जाएं। अम्मा बहनें तो आलिमा को कोसने लगीं, जलकुकड़ी मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगीं। आए हाय लोगों, गजब है कि नहीं, शहजादे को शर्मा देने वाली शक्लो सूरत, कमाऊ पूत और कुंवारा बैठा है, कभी न देखा न सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद कर रहे थे, 40-45 बरस के होंगे, बीवी कुछ साल हुए दो बच्चों को छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर भी कर लिया गया, आलिमा की भी मर्जी थी। हई ने सुना तो कहकहों से घर सर पर उठा लिया कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, चलो दो घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह ही दिया, मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला कर लिया, ज्यादा बोर तो नहीं है? अरे बहुत ज्यादा बोर हैं, दूसरे इनकी शक्ल निहायत खतरनाक है, गंजे अलग से हैं। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है, आलिमा ने कहा। बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं, हई बोले। तो ठीक है ना, इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा, दुल्हन ज्यादा हसीन होनी चाहिए, आलिमा चहकी। बुढ़े भी तो हैं, दुल्हन को दूल्हे से कम ही कम उम्र का होना चाहिए,
आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है। अच्छा, तो फिर मेरा थीसिस टाइप होकर आ जाए, तब अपना छापिएगा। हाँ जी, फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा, हई ने लुकमा दिया। हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं है। अच्छा, बाकायदा प्रोग्राम बनाकर? हई भन्ना उठे। मुआफ कीजिएगा आलिमा, ये निहायत ही घटियापन है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? गोया ये भी थीसिस हो गई। वैसे आपसे सीखा तो है, अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं, आप तो माहिर हैं। खटाखट 5-10 मिनट में मैदान साफ, आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनाड़ी हैं आलिमा। ओहो, कोई बात नहीं, उबैद साहब कुछ इश्विश के साथ दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत ही प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं, आलिमा बोली। आप उनके साथ खुश रह सकेंगी? खुश रहना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अपना अपना निजी तजुर्बा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई भी बला मुझे आज तक पस्त नहीं कर सकी है। मुझे यकीन है मैं खुश रहूँगी। आलिमा, ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हुई। हई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक्के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं। हैं? किससे? मुझसे, हई ने मासूम सूरत बनाकर आंखें उनकी तरफ उठाकर कहा। मगर आप? जी, मैं। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफे मातम बिछ गई। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब उस निगोड़ी को कौन कबूलेगा? अच्छी भली शादी तुड़वा दी तूने उसकी। मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को, हई ने मुंह लटका कर कहा। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया कि कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहें। पगला कैसे हुआ, लोगों ने पूछा, तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोशो हवास इंसान पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए, खुदकुशियों की धमकियां चली। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुखी से घिन आती थी, अम्मा बिलखी। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया मेरे लाल, क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है, हई ने भोली सूरत बनाकर और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक देके मैके फिकवा देगा, सबने भविष्यवाणियां की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेढंगे जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच ही है, चिड़ी की दुख की अगर तुरुक की हो तो हुकुम का इक्का कट ही जाता है।